यूं तो टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत से सितारों को अपने शोज से प्यार नहीं था, जिसके चलते वो अपनी मनमर्जी से अपना चलता चलता शो बीच में ही छोड़कर चले गए, वो भी बिना किसी के प्रेशर के। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वही छोटे पर्दे के 8 सितारों को तो अपने शोज से प्यार होते हुए भी ना चाहते हुए अपना चलता चलता शो बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके चलते वो सभी बहुत निराश हैं। पर वो क्यों, किस लिए और कौन कौन से हैं वो 8 सितारे, चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 8, हिना खान। तकरीबन 8 साल तक अपने फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर एक्ट्रेस हिना खान ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। पर बाद में जहां एक तरफ ही अपने रोल से काफी बोर हो गई थी, दूसरी तरफ मेकर्स के कुछ दबाव को ना झेल पाने के चलते इन्हें ना चाहते हुए भी अपना चलता शो छोड़कर जाना पड़ा था। नंबर 7, रुबीना दिलैक। टीवी इंडस्ट्री की सबसे एक्सेलेंट एक्ट्रेस रुबीना दिलैक पर तो पूरा शक्ति अस्तित्व के एहसास की शो डिपेंड था, मगर मेकर्स द्वारा शो में लाए गए नए ट्रैक की वजह से इन्हें भी अपना चलता शो मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। नंबर 6, कांचे सिंह। यूं तो क्यूट एक्ट्रेस कांची सिंह अपने फेमस शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में लगभग 1.5 साल तक बनी रही थी, मगर जब शो में इनकी जरूरत खत्म हो गई तो इन्हें मेकर्स द्वारा चलते चलते शो से बाहर कर दिया गया था। नंबर 5, श्रीति झा। कुमकुम भाग्य सीरियल से बहुत बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री श्रीति झा भी अपने प्रज्ञा वाले किरदार से काफी बोर हो गई थी और कुछ नया करना चाहती थी, इस वजह से इन्होंने अपना चलता चलता शो बीच में ही छोड़कर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में पार्टिसिपेट कर लिया। नंबर 4, धीरज धूपर। वही करण लूथरा के रूप में 5 साल तक कुंडली भाग्य शो में टिके रहने के बाद अभिनेता धीरज धूपर भी ना चाहते हुए बीच में ही अपना चलता शो छोड़कर इसलिए गए क्योंकि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़कर कुछ नया करना चाहते थे और टीवी की दुनिया से निकलकर फिल्मों की दुनिया में अपना लक आजमाना चाहते थे। नंबर 3, शिवांगी जोशी। सबकी प्यारी दुलारी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने अपने फेम शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से इतनी बड़ी तरक्की हासिल की है कि पूरे 5 साल तक इसी शो का हिस्सा रही थी, पर बावजूद इसके नया शो बालिका वधू सीजन 2 मिलने के चलते ये भी अपना चलता चलता शो छोड़कर बाहर आ गईं। नंबर 2, पारस कल्लावत। हाल ही में अनुपमा फेम एक्टर पारस कल्लावत की शो से एग्जिट हुई है, जिसके पीछे का कारण इन्होंने नया शो झलक दिखला जा साइन किया है। वहीं दूसरी तरफ मेकर से खफा होकर इन्हें ना चाहते हुए भी अपना चलता शो बीच में ही छोड़ना पड़ा है। नंबर 1, मोहसिन खान। वहीं ये रिश्ता फेम एक्टर मोहसिन खान तो लाइफ में खूब आगे बढ़ने के लिए बहुत से सपने लेकर अपना चलता चलता शो छोड़कर बाहर तो निकल आए, बदले में इन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से इन्हें छोटे मोटे एल्बम सॉन्ग्स करने पड़े। वेल दोस्तों, किन की एग्जिट होने पर आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ है, आप हमें उनका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।